आलू बोंडा का जो टेस्ट है बिल्कुल जैसे बॉम्बे में बड़ा पाव खाते हैं ना जी जी, उससे 21 है। अच्छा 21 है, 21 है, 19 नहीं है, 21 है। मतलब अच्छा सामान ये सारा है, आप जब खाओगे तभी पता लगेगा कि टेस्ट आ रही कि नहीं। यार बड़ों को प्रणाम, छोटों को राम राम। क्या खाऊं क्या बनाऊं के सफर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आ गया हूं एक ऐसी दुकान पर जहां पर मैंने यूजुअली देखा था कि बस स्टेशन, जब बस स्टैंड पे जाओ तो वहां पर ऐसी दुकानें मिलती थी, बट आज यहां पर नॉर्मली रोड पर एक दुकान मिली है जहां पर भैया ने ब्रेड पकौड़े, आलू बोंडा, प्याज का पकौड़ा, मिर्ची का पकौड़ा, पालक का पकौड़ा, नमक पारे, समोसे, कचौड़ी, बहुत सारी चीज़ें भैया की दुकान पर। तो मैं इस दुकान पर आ रखा हूँ, तो मैंने आपको भी दिखाना ज़रूरी है। मैं खुद खाऊंगा तो आपको तो दिखाऊंगा ही। आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पे एक भैया खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो अंदर की तरफ तो प्याज वगैरह कट हो रहा है। एक बार अभिषेक जी यहीं से दिखा दो, वहाँ पे प्याज वगैरह कट हो रहा है। आप देख सकते हो कितनी ह्यूज अमाउंट में प्याज कट हो रहा है। और एक दो और वहाँ पर जो भैया हैं वो गर्मा गर्म क्या कर रहे हो भैया? समोसे। ओहो ओहो, जय हो जय हो। गर्मा गर्म समोसे फ्राई कर रहे हैं, क्या बात है। और अब यहाँ पे हम ये भाई हैं, इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। भाई राम राम, क्या हाल है भैया? बढ़िया, ठीक हो? कितने समय हो गए भैया दुकान को? कम से कम 5-6 साल हो गए। अच्छा, इस दुकान की जिम्मेवारी आप संभालते हो? मतलब सर मेरा मालिक उधर बैठा, बाकी हम लोग इधर काम करते हैं। अच्छा, क्या हुआ? तो भैया प्याज अगर किसी को चाहिए, 20 रुपए की पकौड़ी चाहिए तो 20 रुपए की मिक्स पकौड़ी मिल जाती है? 20 रुपए की, 10 रुपए की, 10 रुपए मिल जाती है, 250 ग्राम मिल जाती है, 1 किलो मिल जाती है। देखो दोस्तों, आलू बोंडा लेंगे। एक बार अभिषेक जी आलू बोंडा दिखा दो यहाँ पे आप। बड़ा आलू बोंडा, मैं छू सकता हूँ क्या इसे दोस्त? छू सकता हूँ ना? ये देखो आप कितना बड़ा है। मैंने तो यार छोटा वाला आलू बोंडा खाया था अभिषेक जी, छोटा वाला खाया था आपने भी, मैंने भी। यहाँ पे आलू बोंडा बड़ा मिला है। और यहाँ पे हमने भाई लोगों से बात करी, ये तो भाई है यहाँ पे खड़े हो रखे हैं, इनसे बात करी तो इन्होंने बताया टेस्ट कैसा लगा सर। भाई आलू बोंडा का जो टेस्ट है बिल्कुल जैसे बॉम्बे में बड़ा पाव खाते है ना जी जी जी, उससे 21 है। अच्छा 21 है, 21 है, 19 नहीं 21 है। इतना सॉलिड क्या बात है, प्याज वगैरह अच्छा बना रखा है जी जी जी। और आपको कैसा लगा सर? अच्छा लगा। और चाय में भी इन्होंने लौंग, इलायची, अदरक वगैरह सब डाल रखे हैं। क्या रिव्यू दिया है सर ने? तो रिव्यू आप देख सकते हो, मैं खाने से पहले रिव्यू ले लिया मैंने, क्योंकि दो लोग अभी खा रहे थे चले जाते, इसलिए मैंने ले लिया। आलू बोंडा ट्राई करते हैं, प्याज के पकौड़े ट्राई करेंगे, एक ब्रेड पकौड़ा, पनीर वाला ब्रेड पकौड़ा सिर्फ 20 रुपए का, 20 रुपए का ना सर, 20 रुपए का। और ये कितने का है? 15 रुपए का आलू बोंडा, 15 रुपए का। और प्याज की पकौड़ी 20-20 ग्राम प्याज की पकौड़ी। चाय 15 की भी है और 10 की भी है। और ये मिक्स दे देते हो, प्याज की पकौड़ी और ये मिक्स? अच्छा मिक्स 20 रुपए में दे देते हो। एक आलू बोंडा खाएंगे, एक पनीर वाला ब्रेड पकौड़ा खाएंगे, एक मिक्स पकौड़ी खाएंगे, और चाय भी देते हो भैया? मैं आ सकता हूँ इस तरफ? आ सकता हूँ, आ जाए आ जाए। तो ये रही हमारी चाय अभिषेक की, आओ यहाँ पे थोड़ा चाय दिखाओ। ये सर ने चाय बना रखी हो भाई साहब, इतनी चाय, इतनी पूरा पतीला भर के बनाते हो गया? शाम तक चलती रहती, कम से कम निकल जाती 5-6 करेट निकल जाती। 5-6 करेट दूध के? जय हो जय हो, इतना बढ़िया काम चल रहा है आप लोगों का। और यहाँ पे भैया हमारे समोसे तल रहे हैं। समोसे अभिषेक जी, समोसे दिखा दो। क्या नाम है दोस्त आपका? हमारा नाम मनोज, मनोज नाम है सर का। तो अब अपनी प्लेट लगवा लेते भैया। एक बार मिक्स पकौड़े लगा दो आप 20 रुपए वाले, और एक आलू बोंडा, ठीक है, और एक पनीर वाला ब्रेड पकौड़ा। सब फ्राई करके दोगे ना सर आप? तो वो प्लेट लग रही है हमारी। एक बार सर प्लेट आप यहाँ पे दिखा देना अभिषेक जी, प्लेट लग गई है। एक आलू बोंडा और ये गर्मा गर्म समोसे आ गए आगे की तरफ। जय हो जय हो जय हो। है हमारा पनीर वाला ब्रेड पकौड़ा। कैसे पता लगता है भैया पनीर वाला है? अच्छा अच्छा, ओहो ओहो, चाय सर बिल्कुल चाय लगाओ।
कुल्हड़ में लगा दो, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। अभिषेक जी यहाँ पे पहले कुल्हड़ दिखाओ आप। क्या कुल्हड़? और ये कुल्हड़ में ही देते हो, गिलास में नहीं देते क्या आप? गिलास में कितने की देते हो? दस की। और कुल्हड़ में 15 की। लेकिन कुल्हड़ में पियेंगे मिट्टी वाला स्वाद आएगा, सही कह रहा हूँ ना? कुल्हड़ में दे दो। देसी चाय, अच्छी चाय, बढ़िया चाय, सुंदर चाय, इससे अच्छी और क्या हो सकती है? वाह वाह, करारा कर देना भैया एकदम, ठीक है। चाय भी आ गई है। और यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा कट करके दोगे ना? देखो आप, एक प्लेट तो हो गई है हमारी पकौड़े की रेडी, ठीक है। उससे बाद दिखाऊंगा मैं आपको ये किस तरीके से ब्रेड पकौड़ा कट करेंगे। तीन छोटे छोटे इससे कर दो, छोटे छोटे, बारीक बारीक से। वाह वाह वाह, जय हो जय हो जय हो, क्या बात है। बहुत चटनी, चटनी बहुत मजेदार होती है क्या भैया? पुदीना और धनिया की चटनी है, मजेदार। अच्छा हम कैसे कहें कि हमारा मतलब अच्छा सामान ये सारा है, आप जब खाओगे तभी पता लगेगा कि टेस्ट आ रही कि नहीं आ रही। स्वभाव आपका बहुत अच्छा है। और एक ही हमारा फेवरेट आलू बोंडा जो हम फर्स्ट टाइम इतना बड़ा ट्राई करने वाले हैं। बात बड़े और छोटे की नहीं है, बात है 15 रुपए की दे रहे हैं ये, 15 रुपए में इतना बढ़िया आलू बोंडा। अच्छा एक बगल में भी दुकान है भाई लोगों की, सेम हम सेम चीजें रखते हैं भाई लोग भी, जितना सामान है ये भैया जो रखते हैं वही सामान भैया भी लोग भी रखते हैं। तो अब टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ पे भी ये दुकान है और ये दोनों भाइयों की दुकान जो है साथ साथ में, एक उधर दुकान है एक इधर दुकान है, ठीक है। वैसे कॉम्पिटिशन होता होगा बट मैंने कवर कर लिया है कॉम्पिटिशन। आप लोगों में बातचीत है ना? ऐसा तो नहीं है ना आप लोग लड़ते बढ़ते हो? क्योंकि बहुत तरह की उनके में कोई द्वेष भावना नहीं है, सही है। हाँ वो पता चल रहा है वो। तो अब टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं ये तीनों चीज़ें हैं जो हमने ली हुई हैं। एड्रेस तो बताया नहीं भैया ने, इंद्रापुरम वैशाली सेक्टर 4। अच्छा रामप्रस्थ ग्रीन वहां पर है अभिषेक, रामप्रस्थ ग्रीन दिखाओ। वैशाली, वैशाली सेक्टर रामप्रस्थ गेट नंबर 2 वैशाली सेक्टर। ओनर ये है क्या भैया? कौन है फिर ओनर? अच्छा ओनर का ही ओनर है, चलो ठीक है। अब टेस्ट करते हैं, सबसे पहले करेंगे हम ये प्याज की पकौड़ी से शुरू करते हैं। आलू क्या है? बहुत बढ़िया बना ये भाई। अब ये है पनीर वाला ब्रेड पकौड़ा, मैंने कॉर्नर से उठा लिया, जो पनीर बीच से उठाऊंगा। भैया ने सारी चीज़ों को 15, 20 और 20 बहुत कम कम रेट रखा हुआ है। 15 रुपए की चाय कुल्हड़ में, 10 रुपए वाली भी देते हैं भैया कप में। और अब ये हमारा आलू बोंडा, गाजर वाजर आलू वगैरह सब डालते हैं भैया। आलू बोंडा के अंदर क्या क्या डालते हो? अच्छा ओहो
सबसे यूनिक, सबसे यूनिक, सबसे बढ़िया आलू बोंडा, सबसे बढ़िया आलू बोंडा है भाई। 15 रुपये बढ़ते हैं। और अब जय हो, तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद और प्रणाम करो।